everyone, welcome to your class. Today we are going to start with new topic, that is A and An, from your book Literary Journeys, an English Reader Pre-Primer Book by Brainroot Series. तो आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ए और एन, कि हम ए कब यूज करते हैं और एन कब यूज कर सकते हैं. नाउ एन कब यूज होता है बच्चों? एन हमेशा एक वॉवल के साथ यूज होता है. वॉवल कौन कौन से थे? ए, ई, आई, ओ, यू. मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास पांच वॉवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. तो जहां भी वॉवल्स का यूज आ रहा हो वहां पे एन आएगा. क्या आएगा बच्चों? एन आएगा. देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है एन एस्ट्रोनॉट. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए एक वॉवल है इसलिए एन लगाया. एन एलिफेंट, एलिफेंट में ई एक वॉवल है इसलिए हमने एन लगाया. एन आइस क्यूब, तो आप देख सकते हो इसके अंदर आई क्या है, आई एक वॉवल है इसलिए हमने एन यूज करा. एन आउल, एन अम्ब्रेला. ए एंड एन रिप्रेजेंट अ सिंगल थिंग. ए और एन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक सिंगल चीज रिप्रेजेंट करते हैं. आपको ये चीज ध्यान रखना है, एक चीज, सिंगुलर चीज. ठीक है बच्चों, अब हमारे पास है अ. अ हमेशा एक कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है. किसके साथ यूज होता है? मेरे साथ बोलेगा, कॉन्सोनेंट के साथ. वेरी गुड. सो ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स. एग्जाम्पल देखेंगे अब हम. अ बुक, अ मंकी, अ फिश, अ शिप, अ कैंगरू, अ व्हेल. ठीक है, तो जहां जहां कॉन्सोनेंट्स होंगे वहां वहां अ यूज होगा, ए यूज होगा. और जहां जहां वॉवल्स होंगे वहां क्या यूज होगा? एन यूज होगा, ए एन एन. अब हम करेंगे रीड अलाउड यूजिंग ए. बॉय, अ बॉय. जोकर, अ जोकर. नेस्ट, अ नेस्ट. लायन, अ लायन. टेबल, अ टेबल. पेंगुइन, अ पेंगुइन. अब हमारे पास है यूजिंग एन. एन एंट. एप्पल, एन एप्पल. आइसक्रीम, एन आइसक्रीम. ईगल, एन ईगल. अर्न, एन अर्न. एग, एन एग. देखो ये सारे वॉवल्स थे ना, इसलिए इनके साथ एन यूज हुआ है. अब हम करेंगे प्रैक्टिस जिसके अंदर हमको राइट करना है यूजिंग ए और एन. सबसे पहले क्या है? डैश इंक पॉट. आप देख सकते हैं आई है. आई का मतलब क्या होता है? आई एक वॉवल है. पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास कितने वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. इन वॉवल्स के साथ हमेशा एन यूज करेंगे. तो देखिए क्या आई एक वॉवल है? बिल्कुल है, तो हम एन यूज करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है डॉल. डी एक वॉवल है? नहीं, तो हम अ यूज करेंगे. डी एक कॉन्सोनेंट है. इसके बाद है डैश इरेजर. तो यहाँ पे क्या आएगा? एन इरेजर. क्यों आएगा एन इरेजर बच्चों? क्योंकि ई एक वॉवल है. नेक्स्ट हमारे पास है अ गोट. तो आप देख सकते हैं गोट के अंदर जी एक कॉन्सोनेंट है. नेक्स्ट इज अ मैंगो, क्योंकि मैंगो में एम कॉन्सोनेंट है. एन ऑक्स, बिकॉज ओ इज वॉवल. एन इग्लू, मैंने आपको बताया था आई तो एक वॉवल होता है. उसके बाद क्या आएगा? एन अम्ब्रेला. क्यों? क्योंकि यू भी एक वॉवल है, आप देख सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो वॉवल्स के साथ हमेशा एन यूज होगा और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा क्या यूज होगा? वेरी गुड, अ यूज होगा. नाउ वी हैव टू मैच ईच वर्ड विद ए और एन अकॉर्डिंगली.
एन ऑक्टोपस होता है ना बच्चों, क्योंकि ओ है एक वॉवल, ओ क्या है एक वॉवल है. नेक्स्ट हमारे पास है अ ट्री, बिकॉज टी क्या है एक कॉन्सोनेंट है. आइसबर्ग के अंदर जो आई है वो भी एक वॉवल है, राइट. आई भी तो एक वॉवल ही है, तो हमने आइसबर्ग को एन के साथ मैच कर दिया, एन आइसबर्ग. एन एक्स, और ए भी एक वॉवल है, राइट. एन एक्स. अ निब, राइट. एन क्या है बताइए बच्चों, एन एक कॉन्सोनेंट है. एफ फॉर फैन, क्योंकि एफ भी एक कॉन्सोनेंट है. ई फॉर आई, क्योंकि आई में ई जो है वो क्या है बच्चों, वो एक वॉवल है, तो हमने एन के साथ मैच कर दिया. आगे देखेंगे फन एंड लर्न. इसके अंदर हमको वो लेटर्स को, जो लेटर्स एक कॉन्सोनेंट है, देखिए आप जिन भी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, जैसे ये क्या है, ये एक ए एन टी एंट है ना, तो देखिए ये ए एक वॉवल है या कॉन्सोनेंट है बच्चों, ये तो एक वॉवल है, क्या है ये तो एक वॉवल है मैम, ठीक है. तो जो भी आपको दिखे वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं उनको आपको येलो कलर करना है, और जो भी आपको दिख रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है उसको ग्रीन कलर करना है. तो इसमें आप कौन सा कलर करेंगे बच्चों बताइए मेरे को, इसमें हम येलो कलर करेंगे. तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, चलिए तो इसमें हम येलो कलर कर देंगे. नेक्स्ट फोटो जो हमें दिख रही है वो किसकी फ़ोटो है, वो एक टोमेटो की फ़ोटो है. तो टोमेटो की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, टी ओ एम ए टी ओ. तो टोमेटो के अंदर टी क्या है, टी तो एक कॉन्सोनेंट है मैम, वेरी गुड, कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल सही. तो उन्होंने क्या बोला है आपको, कॉन्सोनेंट को ग्रीन से कलर करना है, तो आप अपना ग्रीन कलर उठाएंगे और इसे ग्रीन से कलर कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा, बहुत इजी है ये. कॉन्सोनेंट को ग्रीन से कलर करेंगे, वॉवल को किससे करेंगे, यस वॉवल को आप करेंगे, किससे कलर करने के लिए कहा था वॉवल को बताइए, वेरी गुड, वॉवल को हमें कलर करना है येलो से, ठीक है. तो चलो अब हम देखेंगे आगे, हमारे पास है एप्पल. एप्पल किससे स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है. ए क्या है, ए एक वॉवल है, और वॉवल को हमें येलो से कलर करना है, तो हम इसको येलो कलर कर देंगे. नेक्स्ट एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला को भी येलो कलर करेंगे, क्यों करेंगे बच्चों बताइए, हमने इसको भी येलो कलर करा, चलो लिख देती हूँ मैं आपके लिए, इसको आपको येलो कलर करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये एक क्या है, ये एक वॉवल है, क्योंकि एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है, ए डबल पी एल ई, देखो ए क्या है, एक तो वॉवल है. ऐसे ही ये एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के अंदर जो यू है ना बच्चों वो एक वॉवल है, तो हम इसको भी क्या कलर करेंगे, इसको भी हम येलो कलर कर देंगे, क्या आप कर सकते हैं, बिल्कुल. इसके बाद हमारे पास है मैंगो. मैंगो में जो एम है बच्चों वो क्या है, वो एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को आपको क्या कलर करना था बताइए मुझे, इसको हम ग्रीन कलर कर देंगे, ठीक है. ऐसे ही ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक टी आर डबल ई ट्री है, और जो टी होता है ना बेटा वो क्या होता है, वो एक कॉन्सोनेंट होता है, वेरी गुड. नाउ कॉन्सोनेंट में आपको कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है, तो क्या आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड किड्स, यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली. नाउ यू हैव टू एंजॉय दिस गेम, यू हैव टू फाइंड द हाउस ऑफ द फिश. फिश का हाउस क्या होता है, पॉन्ड होता है ना, तो आपको इस फिश की हेल्प करनी है कि वो अपने घर तक पहुंच जाए, उसे अपने घर जाना है, ठीक है.
तो हम फिश को बोलेंगे कि फिश यहाँ से चलो और तुम कहाँ से जा सकती हो. कैन वी फाइंड अ रूट फॉर द फिश किड्स. नो वी फेल्ड. ये वाला तो रूट नहीं होगा. सोचिए अब थोड़े हमें ट्राई करना पड़ेगा उसका एक रूट ढूंढने के लिए. करो ट्राई आप लोग सब. कैन वी ऑल ट्राई द रूट. येस वी कैन. लेट्स ट्राई इट. देखो कहाँ से आ रहा है ये. क्या ये फिश अपने घर पहुँच पाएगी बताइए. मेरे को तो नहीं लग पा रहा. चलिए आप इसको मेरे साथ ट्राई करिए एंड आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस एक्टिविटी. इसको आप खुद से ट्राई करेंगे और ये इसका हाउस है, ये फिश का होम है. आपको इसको हेल्प करना है कि ये अपने होम तक पहुंच जाए. ठीक है तो आप ये ट्राई करिएगा. चलिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट. नाउ टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.